हेलो एवरीवन यूनिट एट थर्मोडाइनमिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए हैं इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंटरनल एनर्जी और इंडिकेटर डायग्राम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में चलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहला थर्मोडायनमिक वेरिएबल्स द वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द थर्मोडानेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम फिर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम A thermodynamical system is said to be in thermal equilibrium when macroscopic variables like temperature, pressure, and volume that characterize the system do not change with time. Zeroth law of thermodynamics. If two systems are in thermal equilibrium with the third system separately, then they are in thermal equilibrium with each other. Internal energy u equal to uk plus UP, indicator diagram. ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पी वी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस वेन स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और उनके फीचर्स तो पहली आती आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है दूसरी आती है एडियाबेटिक नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग तीसरा आता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है चौथा होता है आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है फिर आता है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इट इज एन आइडियल प्रोसेस इन विच एट एवरी स्टेज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इन प्रिंसिपल ये प्रोसेस इंफाइनाइटली स्लो होती है इसीलिए इसे कहते हैं क्वासी स्टैटिक ठीक है मीनिंग नियरली स्टैटिक इसमें क्या होता है सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल दैट इज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो स्लोली दैट इट कॉन्टीन्यूज टू बी इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग थ्रू आउट मतलब ये इसमें चेंज तो हो रहा है बट वो चेंज इतना स्लो है कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा रहता है इन दिस प्रोसेस एट एवरी स्टेज डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज इनफाइनाइटली स्मॉल सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इनफाइनाइटली स्मॉल इन प्रैक्टिस द प्रोसेस इज दैट आर सफिशियंटली स्लो and do not involve accelerated motion of the piston large temperature gradient etc are considered as ideal quasi static process isothermal change a change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called as isothermal in this there is a free exchange of heat between the gas and the surrounding चेंज में इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के एग्जाम्पल है इसकी इसल कंडीशन होती हैं द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग दूसरा द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन सो कंसिडर वन ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इंक्लोज इन ए सिलेंडर विद परफेक्टली कंडक्टिंग बॉल्स एंड फिटेड विद ए परफेक्टली फ्रिक्शन लेस एंड कंडक्टिंग पिस्टन इनिशियल प्रेशर हो गया पी वन इनिशियल वॉल्यूम हो गया वी वन और टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया टी जो कि कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है let the pressure of the gas remains p during expansion at any instant if a is the area of cross section of piston then force exerted by the gas on the piston is f equal to p into a because pressure the force upon area to force niklega pressure into area स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन अगर हम कहें तो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स या एफ की जगह हमने लिखा पी ए तो आ गया पी ए डी एक्स और ए डी एक्स की जगह हमने लिख दिया डी वी तो ये आ गया डी डब्ब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी टोटल वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आएगा डब्ल्यू और राइट हैंड साइड में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी विद इन द लिमिट्स वी वन से वी टू हमने P की जगह लिखा आर टी अपॉन वी क्योंकि पी इक्वल टू एन आर टी होता है n यहाँ वन है तो पी वी इक्वल टू हो गया आर टी और यहां से P निकलेगा आर टी V वी तो ये लिख दिया आर टी आ गया बाहर या आया इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वी डी वी विद इन द लिमिट्स वी वन टू वी टू वन बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग वी टू द बेस ऑफ ई क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स टू बेस ऑफ ई फिर हमने क्या, क्या? किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया ठीक अच्छा फिर हमने लिखा आर टी लॉग वी टू बाय वी वन टू द बेस ऑफ ई क्यों क्योंकि लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी अच्छा फिर हमने लिखा डब्ल्यूजिकल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग बेस टेन वी वी टू वन क्यों क्योंकि अगर आप ई e के बेस से टेन के बेस में आते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग ऑफ बेस टेन वी टू बाई वी वन एडियाबेटिक चेंज अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एन एडियबेटिक चेंज इसमें टेम्परेचर भी चेंज करता है एडियबेटिक चेंज में हमारी इक्वेशन होती है पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू के विच इज कॉन्स्टेंट यहाँ पे गामा आपका होता है सीपी बाई सी वी सी पी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी वी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अब एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया इस फ्लास्क के अंदर हमने वॉटर डाला और फिर ये नोजल लगा दिया अब इसमें क्या है हीट ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है तो ये तो एडियोबेटिक चेंज ही हुआ दूसरा चेंज है आपका सडन बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ अ बाइसिकल टायर एक और आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव ये भी एक एडियोबेटिक चेंज है या हम कह सकते हैं यूनिवर्स वो भी एक एडियाबेटिक चेंज है इसल कंडीशन फॉर एडियाबेटिक चेंज सबसे पहली कंडीशन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग टू स्टॉप फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग और दूसरी कंडीशन है द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन सो दैट देर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट चेंज के लिए हमने इक्वेशन कही थी P V टू पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू के दर इक्वेशन यानी कि सिर्फ यही एक फॉर्म तो है प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में और भी फॉर्म्स हो सकती हैं जैसे कि एडियोबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो हम जानते हैं कि पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू के स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल्स टू आर टी क्योंकि एन वन है यहाँ से पी आया आर टी अपॉन वी हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये आ गया आर टी अपॉन वी इंटू वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू के इसे लिख सकते हैं टी वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन इज इक्वल टू के अपॉन आर ये तो टोटल टर्म ही कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं टी इंटू वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन इज टू कॉन्स्टेंट या इसे लिख सकते हैं टी वन v1 वन टू द पावर ऑफ गामा 1 वन इज इक्वल टू टी टू इन टू वी द पावर ऑफ गामा माइनस वन ये रिलेशन था एडियबेटिक रिलेशन बिटवीन टेंपरेचर एंड वॉल्यूम एक और रिलेशन है एडिबेटिक रिलेशन बिटवीन टेंपरेचर एंड प्रेशर तो हमने एडिबेटिक रिलेशन जो हम जानते हैं वो है p v टू द पावर ऑफ गामा k स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू आर टी यहाँ से वी निकलेगा आर टी अपॉन पी इसको इस इक्वेशन में रखा तो

T1 to the power of gamma into P1 to the power of 1 minus gamma is equal to T2 to the power of gamma into P2 to the power of 1 minus gamma. Work done in an adiabatic expansion. So consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly non conducting walls and fitted with a perfectly frictionless and non conducting piston. Initial pressure hogya P1, initial volume oga V1, or initial temperature hogya T1. Let the pressure of the gas remain P during expansion at any instant. If A is the area of cross section of piston, then force exerted by the gas on the piston F equal to P into A. स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स एफ की जगह पी ए लिखा तो ये बन गया पी ए डी एक्स ए डी एक्स की जगह डी वी आ गया तो ये बन गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी टोटल वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू एंड पी डी वी का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी विद इन द लिमिट्स वी वन टू वी टू फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे पी की जगह हम लिखते हैं k इन टू वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा क्योंकि p v टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू के होता है वहां से हमने p की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की k आ गया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर ऑफ माइनस गामा डी वी होगा v टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन विद द लिमिट्स वी वन टू वी टू ये वन माइनस गामा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाता है k अपॉन वन माइनस गामा इन ब्रैकेट v2 पावर ऑफ 1 माइनस गामा माइनस v1 वन टू दावर ऑफ 1 माइनस गामा अब हम इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनता है w इज इक्वल टू वन अपन माइनस गामा इन ब्रैकेट k टू द पावर ऑफ वन माइनस गामा माइनस के इंटू वी वन टू दावर ऑफ वन माइनस गामा आगे कॉन्टिन्यू सो लास्ट स्लाइड से हमें ये इक्वेशन मिली w इज इक्वल्स टू

तो हम यहाँ पी टू वी टू की जगह आर टी टू लिख देंगे और पी वन वी वन की जगह आर टी वन लिख देंगे तो यहाँ आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपन माइनस गामा इन ब्रैकेट आर टी टू माइनस आर टी वन इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपन वन माइनस गामा दिस इज द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन चलिए PV इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस ओके okay, एक्सपेंशन में ये देखिए ये आइसोथर्मल का है दूसरा एडियाबेटिक का है सिमिलरली दूसरा कंप्रेशन में है अगर दोनों ग्राफ को देखें तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का कर्व जो है एडियाबेटिक के ऊपर होता है कंप्रेशन में एडियाबेटिक का आइसोथर्मल के ऊपर होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व आपका निकलता है डी पी बाय डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी अपॉन वी और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व निकलता है dp by dv is equals to minus gamma p upon v अच्छा गामा की वैल्यू वन से ज्यादा होती है तो एट कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल सो डीयू इज इक्वल्स टू जीरो एडियाबाटिक में हीट रिमींस कॉन्सटेंट तो डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग टू सराउंडिंग इन आइसोथर्मल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग इन एडियाबेटिक तीसरा आइसोथर्मल स्लोली होता है एडियाबेटिक सडनली होता है आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी कॉन्सटेंट रहती है तो डी यू इक्वल टू ज़ीरो और इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज करती है तो डी यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फिर आता है आइसोथर्म आइसोथर्मलेशन होती है स्लोप ऑफ होता है डी पी बाय डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इन टू पी अपॉन वी चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए तो पहला क्वेश्चन आता है वन किलोग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट 400 हंड्रेड कैल्विन एक्सपेंस आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड तो क्या क्या गिवन है टी इज 400 हंड्रेड कैलविन वी वन इज वी एंड वी टू इज टू वी क्योंकि डबल किया था अच्छा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन विद द बेस ऑफ टेन इसमें हमने values put की R की की 400, की 2V, की जगह 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 आया 8.3 400, और लिखा, तो ये मेरे पास आता है 2.303 डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो जूल्स के बराबर निकलता है अच्छा हीट प्रोड्यूस्ड अगर देखें तो वो होगा 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन फोर पॉइंट टू कैलोरीज दैट इज पॉइंट फाइव फोर एट कैलरीज के बराबर निकलता है क्वेश्चन नंबर टू सर्टेन गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम कैलकुलेट द रिजल्टिंग प्रेशर क्या क्या गिवन है यहाँ पे पी वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पॉइंट सेवन सिक्स मीटर ऑफ एच जी कॉलम V1 तो V है और V2 हमने कहा हाफ हो गया तो V बाई टू एडिबेटिक प्रोसेस में होता है P1 वन इंटू वी वन टू दावर ऑफ गामावल टू पी टू इन वी टू द पावर ऑफ गामा इसमें हमने सारी वैल्यूज रख दी तो ये आया p2 टू इज इक्वल टू पॉइंट सेवन सिक्स इन ब्रैकेट V अपॉन v बाय टू टू पावर ऑफ वन बाय पॉइंट फोर अभी वन पॉइंट फोर कहाँ से आया क्योंकि गामा की वैल्यू वन पॉइंट फोर होती है नॉर्मल वैल्यू ठीक है तो ये एच की जगह टू तो ये निकलता है टू पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर ऑफ फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम

हमने क्या किया गा टी वन और टी टू की वैल्यू रखी तो ये मेरे पास आता है पावर ऑफ पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वन बाई टू स्करिंग बोथ साइडर वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू वन बाय फोर

इंट वी वन टू दावर ऑफ गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू इन टू वी टू टू दावर ऑफ गामा माइनस वन इसम को लिख सकते हैं टी टू बा हमने वैल्यूज पुट की सारी की सारी और सोल्व कहता है टी टू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड रूट टू यानी की फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सिक्स के एल्वेन यानी की वन फिफ्टी वन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस Now इज़ द टाइम फॉर recap. क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थर्मोडाइनोमिक प्रोसेसेस, जिसमें कोई चेंज आता है आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोकॉरिक आइसोबेरिक प्रोसेसेस पढ़ी आइसोथर्मल चेंज में होता है पी वी इज ईक्ल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक में होता है पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज ईक्वल टू कॉन्सटेंट या टी इंटू वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या टी टू द पावर ऑफ गामा इंटू पी टू द पावर ऑफ वन माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन टू द बेस ऑफ टेन और एडियाबेटिक में होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन टू द अपॉन वन माइनस गामा चलिए असाइनमेंट ज़्यादा नहीं है ये सिर्फ छः क्वेश्चन है इन्हें खुद ट्राई करो ना आए तो वीडियो आगे देखो To solve the assignment question number one what is the ratio of slopes of pv graphs for adiabatic and isothermal process so slope for isothermal process hota hai dp by dv isothermal is minus of p by v for adiabatic dp by dv adiabatic is minus of gamma p upon v or iska ratio comes equal to gamma question number two if air in a cylinder is suddenly compressed by a piston what happens to the pressure of air so sudden compression causes heating and rise in temperature this causes the flow of heat from system to surrounding which results in decrease in temperature and this decrease in temperature results in decrease in pressure question number three a cylinder with a movable piston contains three moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of a heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half its original volume? So kya, kya given hai n is equal to three v1 is v, v2 is v by two. ना इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों क्योंकि सिलेंडर इज कम्प्लीटली रखी तो पी टू बाई पी वन आता है पावर ऑफ गामा अपॉन वी बाई टू टू द पावर ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 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 द पावर ऑफ गामा और एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा होता है P2 by P1 is equal to 2 to the power of 1.4, which is equal to 2.639. Question number four: A motor car tire has a pressure of 4 atmosphere at uh, room temperature of 27 degrees Celsius. If the tire suddenly bursts, calculate the temperature of escaping gas. Take gamma is equal to 1.5. P1 is given as 4 atmospheric pressure. P2 is a uh, टी ए टी वन इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दैट इज थ्री हंड्रेड कैलविन गा इज वन पॉइंट फाइव अब सडनली टायर बस्ट कर रहा है तो चेंज एडियाबेटिक है और एडियाबेटिक में हमारा होता है टी टू बाई टी वन टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन ठीक है इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी की सारी और सॉल्व किया तो हमारे पास आता है टी टू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड अपॉन क्यूब रूट ऑफ फोर Which comes as 189.8 Kelvin. And if it is converted into degree Celsius, it is a minus of 83.1 degree Celsius. Question number 5 A liter of hydrogen at 127 degree Celsius and 10 to the power of 6 dyne per centimeter square pressure expands isothermally until its volume is doubled and then adiabatically until it is redoubled. Find the pressure of the gas. Take gamma is equal to 1.5 okay given p1 is 10 to the power of 6 v1 is v v2 is v by 2 t1 is 127 degree celsius which is 400 kelvin gamma is 1.5 first case isothermal yani ki p1 v1 is equal to p2 v2 we put the values we get p2 is equal to 5 into 10 to the power of 5 dyne per centimeter square

या लिख सकते हैं टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी ए टू दावर ऑफ गामा पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन द सेम एडिया तो हम लिख सकते हैं टी वन इंटू वी बी टू दावर ऑफ गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू इंटू वी सी टू दावर ऑफ गामा माइनस वन इसे लिख सकते हैं टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी बी टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट वी डी अपॉन वी ए टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी बी टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन या लिख सकते हैं वी डी अपॉन वी ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी बी या हम लिख सकते हैं वी ए अपॉन वी डी अपॉन वी बी बाई वी सी इज इक्वल्स टू ना इज द टाइम फॉर एक्नोलेजमेंट गूगल बींग एनसीआर टी जहाँ से जो लिया उन सब का धन्यवाद एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन साइक्लिक प्रोसेस थैंक यू सो मच